हेलो प्यारे बच्चों, मैं संदीप वर्मा, सीनियर मैथमेटिक्स फैकल्टी ऑफ दून डिफेंस एकेडमी। बेटा, मैं दून डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से आज आपको कुछ पेपर एनालिसिस के बारे में बताएंगे, और जो हमारे कंटेंट है, जो हमारा यहाँ पर मैथ्स से रिलेटेड जो हमने प्रोवाइड किया बच्चों को, किस तरह के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए, मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए, वो सारा आपको डिस्कस करते हैं। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और आपको रियलिटी पता लगेगी कि हमारे मॉक टेस्ट और हमारे स्टडी मटेरियल कितना बेनिफिशियल रहा बच्चों के लिए। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल, और बहुत बड़ी बात नहीं करते हैं। अभी पेपर से पहले मॉक टेस्ट हुए थे, मैं मॉक टेस्ट वन की ही बात करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैं इस वीडियो के नीचे हमारे जो मॉक टेस्ट है उसके लिंक भी मैं लग जाएंगे, उन लिंक को भी आप देख करके वेरीफाई कर लीजिएगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए पिक्चर। जैसा कि बेटा, ये क्वेश्चन आपका एनडीए में 9 नंबर क्वेश्चन सेट ए का आया था, जेड वन एंड जेड टू टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच डेट मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू अपॉन जेड वन माइनस जेड टू इज इक्वल टू वन। इसी थीम पर आधारित क्वेश्चन मॉक टेस्ट वन पे देखिए आप, 102 मॉक टेस्ट वन पर, 102 पर यह आपको कराया गया, ठीक है, 2024। सेम यही थीम, बस डेटा 2-3 डेटा चेंज है, बाकी सब कुछ वही है। ये आपको पूरा सोल्यूशन भी है, आप इसके लिंक में मॉक टेस्ट वन का लिंक पड़ा हुआ है, वहां पर भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे और बहुत सारी पिक्चर दिखाते हैं, हमारे स्टडी मटेरियल, हमारे मॉक टेस्ट, क्लासरूम नोट्स, और हमारी जितनी भी फैकल्टीज हैं बहुत हार्ड वर्क करके साथ जो हमारा नोट्स बनाए गए, बच्चों को जो प्रोवाइड किए जाते हैं क्वेश्चंस, वो सारे आप देखेंगे। अब जैसे देखिए अगला क्वेश्चन, ये मैंने 53 नंबर क्वेश्चन मॉक टेस्ट वन की ही बात कर रहा हूं। अभी और बहुत सारे 10 मॉक टेस्ट हुए थे, मैं केवल अभी मॉक टेस्ट वन की बात कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन लिखा हुआ है 27 की पावर 999 इज डिवाइडेड बाई 7, और सेम थीम पर क्वेश्चन नंबर 18 आया, 2 की पावर 120 इज डिवाइडेड बाई 7, और इसका सोल्यूशन भी दिया गया था। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये आप मॉक टेस्ट वन का देख रहे हैं कि क्या आया हुआ। अगला और क्वेश्चन भी आपको दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन आया है कि हमारा एक 3D है, वो 3 पॉइंट से पास हो रही है, ये 3D 3 पॉइंट से पास हो रही है, और यहां पर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। सेम क्वेश्चन ये कराया हुआ है मॉक टेस्ट वन का, 43 नंबर क्वेश्चन। क्या बेटा आपको दिख रहा है ये सारा क्वेश्चन? ये आप देखिएगा, और जितने भी वीडियोस हैं जो हमारे मॉक टेस्ट हैं, जो यूनिट टेस्ट हैं, लाइव क्लासेस हैं, उन सब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा इसका। और एक क्वेश्चन देखिए ये आया हुआ है कि स्पेयर है, उसके डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं एंड पॉइंट्स के, तो यू वी डब्ल्यू की बात करनी है। और ये क्वेश्चन मैंने 111 111 नंबर क्वेश्चन पे, ये सेम क्वेश्चन मैंने इसको कराया हुआ है, तो ये वैराइटीज आपके इस बार के पेपर में आया। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि पेपर थोड़ा सा टफ था। पेपर टफ नहीं था, पेपर बहुत ही अच्छा पेपर बना मैथ्स का, जिस हिसाब से एनडीए का पेपर होना चाहिए उसी हिसाब से बना। आपको केवल सिलेक्शन लेना है कि कौन से क्वेश्चन टाइम का खेल है, कौन सा क्वेश्चन कम टाइम में लग सकता है, उन क्वेश्चनों को सेलेक्ट करना, ये स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और जिन बच्चों ने ये स्ट्रेटजी फॉलो की वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे और क्वेश्चन भी बड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो सिर्फ मैं मॉक टेस्ट वन की ही बात कर रहा हूँ, बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, हमारे 10 मॉक टेस्ट हैं, एवरी सैटरडे यूनिट टेस्ट होते हैं, बुक्स, उन सब का मैं यहाँ पर मटेरियल आपको दिखाऊंगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 89 एनडीए में आया हुआ है, इसी थीम पर आधारित ये प्रश्न है, वैल्यूज भी सेम है, मॉड साइन एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन और मॉड साइन एक्स इंटीग्रेशन, और ये हमारी 0 से 10 पाई वाली लिमिट, ये मैंने सोल्यूशन दिया मॉक टेस्ट वन, और ये इसका 89 नंबर क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिए, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन भी देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 74, इसी थीम पर आधारित मैंने मॉक टेस्ट वन में 47 नंबर क्वेश्चन कराया था, इसी थीम पर आधारित, तो ये आप देखिए जरा, सेम क्वेश्चन, थोड़ी सी वैल्यूज में हल्का सा चेंज है,
कॉज एक्स प्लस वन को अगर हमने टी माना तो ये इसी पैटर्न पर कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। मैं बहुत सारे मॉक टेस्ट जो 10 है सबकी बात अभी नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ ओनली वन मॉक टेस्ट वन की ही बात कर रहा हूं। आगे आपको दिखाऊंगा और सारे मॉक टेस्ट अपने स्टडी मटेरियल के सारे ये वैल्यूज आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चंस दिखाऊंगा। देखिए इसी थीम पे आधारित बायनोमियल का क्वेश्चन आया, एक्स की पावर 10 का कोफिशियंट निकालना, और यहां पर ये थोड़ा सा अपडेट वर्जन जीपी लगा करके यही वैल्यूज बन जाती है, और यहां पर एक्स की पावर 5 का कोफिशियंट निकालना था। ये भी मॉक टेस्ट 1 का क्वेश्चन, पहला भी मॉक टेस्ट की बात कर रहा है। अभी और बहुत सारे मॉक टेस्ट की बात करेंगे, यहां पे स्टडी मटेरियल की बात करेंगे, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो ये हमारे मॉक टेस्ट में आया 27। ये देखिए मॉक टेस्ट 2 में एज इट इज सर ने सॉल्व किया है, ये भी क्वेश्चन आपका मॉक टेस्ट से आया है, ठीक है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 जो आपके पेपर में आया, आप डिस्क्रिप्शन में देखना लिंक लगा हुआ है, ये सारे मॉक टेस्ट का मैं लिंक लगवा दूंगा, तो वहां पर भी आप चेक कर सकते हैं, इनके सोल्यूशन किए जा चुके हैं पहले से ही। तो कितने बेनिफिशियल होते हैं मॉक टेस्ट, और ये स्टडी मटेरियल लेटेस्ट पैटर्न जो एनडीएन ने अभी डिजाइन किया, जो जैसा जैसा वो अपना स्टेटस बढ़ा रहा है, यहाँ की टीम भी उसी हिसाब से अपने पेपर का स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी थीम पर आधारित है, यहाँ कॉज 9 माइनस साइन 9 है, और पेपर में साइन 9 माइनस कॉज 9 है। अगला क्वेश्चन और आता है, ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का आपको कराया गया, देखिए पेपर में ये कराया गया है, 3x3 की मैट्रिक्स है, और ये डिटरमिनेंट ऑफ 2 एडजॉइंट A3A का डिटरमिनेंट की वैल्यूज निकालनी है, उसी थीम पर आधारित है। यहां पर मॉड B दे दिया गया, और ये सॉल्व करके एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन आया, ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया गया है। बेटा देख रहे हैं आप, और दिखाते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसा कि ये क्वेश्चन देखिए रिलेशन का आपका कराया गया है, रिलेशन इज डिफाइंड वैल्यूज 2x प्लस y इज इक्वल टू 41 पर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव पूछा गया, और यहां पर x प्लस y मॉड x प्लस y इज लेस देन 2 पर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव पूछा गया, ये भी क्वेश्चन आपको कराया गया है। ये आपको महामैराथन में मैंने कराया था, ये क्वेश्चन आप देखिए जरा यहां पर, ठीक है। और देखते हैं ये क्वेश्चन 44 नंबर जो क्वेश्चन आया, ये हमारी स्टडी मटेरियल का जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। ये जो क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल से एज इट इज उठ करके, हमारी जो डीडीए की बुक है जो बच्चों को प्रोवाइड किया गया है स्टडी मटेरियल, उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 एज इट इज निकल के आ गया। यहां पर हमने वैल्यू m अपॉन n, m माइनस n अपॉन m प्लस 1 दी, और यहां ए बी करके आया, सेम क्वेश्चन निकल के आया है, ठीक है बेटा, स्टडी मटेरियल से हमारा जो यहां की बुक है। आगे देखते हैं ये भी क्वेश्चन 36 जो आया, ये भी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी मटेरियल का जो बुक है डीडीए से बच्चों को जो प्रोवाइड होती है बुक स्टडी मटेरियल, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कुछ और हम देखते हैं, जैसा कि यह क्वेश्चन नंबर 15 एनडीए में जो आया, सेट ए की मैं बात कर रहा हूं, उसमें यहां पर पावर 4 है, और हमारी बुक के स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 28 पर पावर 5 करके दिया गया, सेम क्वेश्चन ये अभी आया आपके पेपर में, क्या ये आपको समझ में आया। आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चनों की बात करते हैं, यहां पर भी देखिए हमारी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन, और यहां पर 22 नंबर क्वेश्चन, इसमें साइन पाई एक्स है -1 to 1 की रेंज पर है, -1 to 1 की रेंज पर है, कॉस पाई एक्स पर ये क्वेश्चन सेम इंजेक्टिव के लिए पूछा गया, 1:1 on 2 के लिए पूछा गया। ये सारा आगे और हम डिस्कस करते हैं, सेम क्वेश्चन हमारी स्टडी मटेरियल दून डिफेंस एकेडमी का जो बेहतरीन मैथमेटिक्स का स्टडी मटेरियल है उसी से ये भी क्वेश्चन है, हमारी ट्रिग्नोमेट्रीज का क्वेश्चन नंबर 27 जो स्टडी मटेरियल है उसका 49 नंबर क्वेश्चन एनडीए में, डेटा चेंज है, यहाँ 65 है, यहाँ पर 20-40 वैल्यूज का चेंज है, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम है। और बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ये क्वेश्चन हमारे एनडीए में आया, ट्रायंगल पीक्यूआर यहां पर एबीसी लिखी है,
मॉक टेस्ट 2 या 3 में ये कराया गया है, ये क्वेश्चन भी हमारे पेपर में मौजूद, हमारे मॉक टेस्ट, हमारे स्टडी मटेरियल से ये सारे क्वेश्चन आपको ये मिल रहे हैं। इवन डेटा भी ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट है और इसका लाइव सॉल्यूशन भी किया गया है, तो ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन इसी थीम पर आधारित है फंक्शन की, यहां पर 1/x+1 पेपर में आया और यहां पर 1/x-3 करके डेटा दिया गया, कुछ इसी टाइप की वैल्यूज ये भी हमारे मॉक टेस्ट से उपलब्ध है। और हम कुछ और बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी जो हमारे एनडीए में आया, ये डेटा यहाँ पर 100 है और यहाँ पर -2 पर और 27 पर डाल करके ये क्वेश्चन दिया गया, कॉमन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी हमारी बुकलेट में मौजूद है, दोनों बुकलेट में मौजूद हैं, डीडीए का जो स्टडी मटेरियल है उसमें मौजूद है और ये टेस्ट पेपर में भी दिया गया, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया हुआ है। अगला कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपका क्वेश्चन भी इस प्रॉपर्टी पे बेस है, ये डिस्कस की है सर ने प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी पे बेस ये क्वेश्चन आपको मॉक एनडीए में 78 नंबर आया, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया। तो बेटा ये आपने देखा, अभी हमारे नवीन सर का भी बहुत सारा जो क्लासरूम का स्टडी मटेरियल है वो बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो तो इसलिए मैं बहुत सारा कंटेंट अभी यहाँ पे नहीं शो कर पा रहा हूँ, बाकी ये सारा डिस्क्रिप्शन में उनके लाइव वीडियोस जो आए वो आप सारा चेक कर सकते हैं और इससे काफ़ी अच्छा आपको पता लगा होगा कि लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से हमारा स्टडी मटेरियल डिज़ाइन होता है, उसी हिसाब से हम सब अपना स्टडी कराते हैं बच्चों को। और हमारा नया सीजन स्टार्ट हो चुका है, मैं बच्चों से कहूंगा कि ये सीजन सितंबर वाला बहुत छोटा होता है, इसमें टाइम पीरियड कम मिलता है, पेपर का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा एनडीए ने मेंटेन किया है, तो जल्दी से जल्दी आप अपना एनरोलमेंट कराएं, एडमिशन लें ताकि आपका कोर्स ज़्यादा छूटे ना, बैकलॉग ज़्यादा लगे ना, ताकि वो कोर्स पूरा करने में आपका टाइम खराब ना हो। ठीक है, जय हिंद प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं अपना सेशन खत्म करता हूँ। जय हिंद। जय हिंद बच्चों, मैं राजू पांडे, मैथ्स फैकल्टी, संदीप सर दून डिफेंस अकेडमी देहरादून। बेटा जो इस बार आपका एनडीए का पेपर हुआ था उसमें से अभी संदीप वर्मा सर ने आपसे डिस्कशन किया कि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो बेटा हमारे लोगों के मॉक से आए हुए हैं। हमारे पास देखिए ये सब मॉक हैं अभी, क्योंकि मॉक 2 है, फिर मॉक 4 है और ये ऑनलाइन, मतलब इसमें जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वो आपको मतलब अवेलेबल रहेगी यूट्यूब में। ऑलरेडी हम लोगों ने बेटा पहले से ही ये सब रिकॉर्ड करके डाल दिया था, तो कुछ क्वेश्चन उसमें से आए हुए हैं जिसमें काफ़ी कुछ में सिमिलैरिटी है और कुछ में थोड़ा बहुत चेंजेस है। जैसे ये क्वेश्चन आया था, अ लाइन थ्रो 1-1-2 विद डायरेक्शन रेशियो दिस एंड दिस, ठीक है, लाइन की क्वेश्चन निकालनी थी, मीट द प्लेन दिस और उसके बाद सॉल्व करना था। यहाँ पे भी लाइन की क्वेश्चन निकालनी है, यहाँ देखिए द पॉइंट एट विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, इससे भी लाइन की क्वेश्चन निकालनी है और इसे पुट करना था, देन हमें पॉइंट मिल जाएगा। तो काफ़ी सिमिलैरिटी थी इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका एनडीए में क्वेश्चन आया, जैसे इसमें पॉइंट निकालना है इसमें वैसे ही हमें वहाँ पर भी निकालना था। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था जो काफ़ी हद तक मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा, इसमें जरा देखिए ए और बी आपको डेटा दे रखा है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो हमारा जो मॉक टेस्ट 2 है ना बेटा, उसके अंदर मॉक टेस्ट नंबर 2 के अंदर हमने ये क्वेश्चन करा रखा है, इसमें डायरेक्शन बेस के 5 क्वेश्चन थे जिसमें मैंने क्या किया, 1-1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। तो देखिए जरा आपको दिख रहा होगा इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना है, ये मैंने ऑलरेडी इसमें करा रखा था और आपको सिमिलैरिटी भी दिख रही है कि काफ़ी, क्योंकि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन उसमें निकालना, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इसमें निकालना है, जो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट था जो हम लोगों ने ऑलरेडी इसमें अपने पेपर में दे रखा था। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपके उसमें पेपर में आया था, मॉड इक्वल टू 1/2√2, मॉड इक्वल टू दिस। यहाँ पर देखिए इसमें भी मॉड इक्वल टू 1/8 आपका एडजॉइंट का ये क्वेश्चन है, एडजॉइंट निकालना था हम लोगों को इसमें, इस तरीके से एडजॉइंट का मॉडलस वगैरह। तो काफ़ी सिमिलैरिटी है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि अब बेसिकली क्या हो रहा है, हर बार ये पैटर्न पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है जो एनडीए में, हर बार क्या हो रहा है कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है जो ये एडजॉइंट वाला पार्ट है। और यहाँ पर देखिए मैंने इसको मॉक टेस्ट में अपने डाल रखा था, मॉक टेस्ट 2 में, और यहाँ पर ये बस थोड़ा सा डेटा चेंज है, बट क्या है, प्रोसेस सॉल्विंग एज इट इज़ ही है लगभग। ठीक है बेटा, आप चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द सम ऑफ द 4-डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द डिजिट। देखिए इसमें क्या करना है, 4 डिजिट का यूज़ करना है, इन 4 डिजिट का यूज़ करके बेटा हमें क्या करना था कि आपको नंबर बनाना था 4 डिजिट का, जितने भी नंबर उनका सम निकालना था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मैंने क्या करा रखा है, मैंने करा रखा सम ऑफ 3-डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग
1 2 3, अगर 3 डिजिट का नंबर हम लेते हैं उनको क्या करते हैं, अगर उनका हम यूज करते हैं और तो तीनों डिजिट का यूज करके जो जितने भी नंबर्स बनेंगे उनका सम फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट यूज कर रहा था, इसी प्रोसेस से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। वहां पर 3 डिजिट था, इसमें आपका 0 इंक्लूड है, बट सिमिलरिटी है, ऑलरेडी मैंने क्लास में डिस्कस कर रखा है कि अगर 0 आता है तो फिर कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रिमाइंडर, आपको क्या करना है बेटा, इसमें रिमाइंडर फाइंड करना है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 120 डिवाइडेड बाय 7, यहां पर देखिए द रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 99 डिवाइडेड बाय 13। ऑलरेडी देखिए इसमें रिमाइंडर का क्वेश्चन करा रखा है, ये हमारे मॉक का 76 नंबर क्वेश्चन है जो मॉक टेस्ट 2 में है, मॉक टेस्ट नंबर 2 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिए, काफी सिमिलरिटी है और काफी फेमस क्वेश्चन है जो इस समय पूछा जा रहा है एग्जाम में। अगला देखिए क्या है, ये हमारे ऑनलाइन का जो हमारा मॉक था, ऑनलाइन के मॉक में देखिए यहाँ पर मैंने वेरिएंस निकलवाया, द वेरिएंस ऑफ द डेटा 2, 4, 6, 8, 10। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ भी वो वेरिएंस मांग रहे हैं, वट इज द वेरिएंस ऑफ लार्जेस्ट 5 नंबर्स। तो 5 नंबर्स इसमें जो बड़े वाले हैं, जिसने इस क्वेश्चन को करा होगा उसको प्रोसेस पता होगी कि मतलब किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे। ओके बेटा, आप जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए ये भी अब ट्रेंड में आ गया, ये कई बार से हम लोग हमारे मॉक में क्वेश्चन बुक देते रहते थे, इस बार देखो उसने पूछ लिया, द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल 100। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, हम लोग एक्चुअली एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकालते हैं। उसी तरीके से जब आप ये वाले क्वेश्चन को देखोगे ना, n इंटू 8 की पावर k जो लिखा हुआ है, तो इसमें 2 का एक्सपोनेंट निकालना पड़ेगा 26 में। तो जब आपको ये प्रोसेस पता होगी कि 5 का एक्सपोनेंट कैसे निकालते हैं फैक्टोरियल के अंदर, तो 2 का एक्सपोनेंट कैसे निकालते हैं, तो फिर ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते थे। इसमें 26 में आपको क्या करना था, 2 का एक्सपोनेंट निकालना था, देन कंपेयर करा देना था। तो आपको क्या होता है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k, आपको यहां से मिल जाती। तो ये कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो बेटा हम लोग के यहाँ के मॉक टेस्ट से आए हुए हैं, और जो हम लोग के क्लास नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल हैं, उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो है देखने को मिल रही है एग्ज़ाम में। क्योंकि यूपीएससी बेटा क्या करता है, पैटर्न तो नहीं चेंज करेगा, जो चीज़ें पूछ रहा है जैसा जो उसका लेवल है उसी लेवल पर वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अलग हटके पूछ रहा है, बट थोड़ा सा लेवल चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बट थोड़ा सा उसने अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन किया है। तो आप बट क्वालिफाई करने के लिए जो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने चाहिए थे उतने उसने दे रखे थे कि आप इजीली उसको क्वालिफाई कर सकते थे। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, जय हिंद। काइंडली सब्सक्राइब डीडे यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।